हेलो एवरीवन, कैन यू सी मी? गुड मॉर्निंग। आई कैन नॉट स्विच ऑन द लाइट बिकॉज इट इज स्टिल 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरा भाई उठ जाता, सो आई गेट रेडी, आई गेट आउट एंड देन आई कंटिन्यू द मॉर्निंग। आई न्यू आई वॉज फॉरगेटिंग समथिंग, और मैं सबसे मेन चीज़ ट्राईपॉड लेना भूल गया घर से, एंड आई डोंट वॉन्ट गो बैक। व्हाट शुड आई डू? एनीवेज, जो भी होता देखेंगे। अभी मैं शुएब के घर के पास हूँ, उनको पिकअप करने आया, फिर शाहनवाज को पिकअप करके लोग जा रहे कहीं रोड ट्रिप पे। ओके, आई एम नॉट गोना बोर यू गाइस विद ऑल दिस शिट टॉकिंग, आई विल जस्ट जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट। वी आर गोइंग ऑन ए रोड ट्रिप विद शुएब एंड शाहनवाज टू अ डैम, सो लेट्स जस्ट जंप स्ट्रेट टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। As you can see, मेरे पीछे खाली वाइट दिख रहा होगा क्योंकि पूरा पानी है, जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी है। सो अभी हम लोगों को जहाँ पे इसके जो डैम के गेट्स रहते, डोर्स रहते, वो साइड जाना है, बट उधर साइड परमिशन है या नहीं है वो नहीं मालूम हम लोगों को। और आज सुबह से पता नहीं क्यों वेदर बहुत वियर्ड वियर्ड बिहेव कर रहा है, कभी फॉग आ जा रहा, कभी धूप निकल रही, कभी सर्दी हो रही। अभी देखो अभी पूरा फॉग है इधर साइड, बट ये रोड ऐसा जाके फिर वैसा जाके फिर वैसा है, जो पानी दिख रहा वहाँ से रोड, और हम लोगों को जाना है वो साइड क्योंकि वहाँ पे पानी निकल रहा और रेनबो भी बन रहा वहाँ पे पानी निकलने की वजह से। और ये देख लो इधर डोर से, और ये पूरा वहाँ तक है, तो बेसिकली बहुत बड़ा है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन कितना बड़ा है। सो पूरे नींद में शाहनवाज मेरी जैकेट वहाँ छोड़ दे गया, आगे जैकेट ही छी की मेरी, हो दिख रही तो जैकेट इच। लेट्स सी, मेरी जैकेट डाल लेके आ गए थे वहाँ पे कुत्तों के बीच में। ओके, यही तो होना था हम लोगों को, जब से इसका रास्ता नहीं मिल रहा था मालूम। सो अंकल बोले इधर से जाओ बोल के नीचे से, मतलब उधर से ही पावर प्लांट है और यहाँ सामने है श्री राम सागर। सो अब नीचे जाने का रास्ता ढूंढना है।
अभी बंटाई का शूट हो रहा है यहाँ पे, मैं मेरा कर दिया, अब बंटा इनका कर रहे हैं। मगर जो व्यू है यार, मतलब यहाँ पे थोड़े लोग हैं बैठ के, वहाँ पे भी पता नहीं दिख रहा है या नहीं, वो पत्थर के पीछे दोनों बैठ के फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इकला है, फिर वो साइड पत्थरों पे दोनों तीनों थे, मतलब वहाँ तक गए कैसा उन लोग, उतने प्रेशर में कैसा फिशिंग कर रहे हैं इन लोग। यू गाइस विल नॉट बिलीव ये जैकेट। अब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हुआ और ये जैकेट मैं लिया था 7th class, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 6th, 7th, 8 years से ये जैकेट मेरे पास रिसी है वालों, 8 years से। अब ये या तो ये जैकेट छोटा नहीं हुआ या तो मैं बड़ा नहीं हुआ। और हाँ, वो टाइम पे फैशन की उतनी समझ नहीं थी, तो अगर लोगों को क्यूरियोसिटी है तो ये एक फीमेल जैकेट है, मतलब ये इतना पुराना है कि इसके बटन टूट गए मालूम, उतना पुराना है, लाइक 8 years पुराना है ये। तो ये फीमेल जैकेट है, जब मेरे को नहीं मालूम था तब मैं ले लिया, बट अब अच्छा दिख रहा। और अब फेमिनिन मैस्कुलिन उतना कुछ भी नहीं है, तो उसमें रूल्स नहीं है कुछ भी, जैसा चाहे वैसा पहन सकते, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। और जो मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ एक महीने से, उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरे पास, मतलब मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, हर एक दिन निज़ामबाद बोधन, निज़ामबाद बोधन, लंच निज़ामबाद में हुआ तो डिनर कहीं बोधन में हो रहा, या फिर निज़ामबाद में ही हो रहा। सो इतना हेक्टिक था ये मंथ मेरे वास्ते। और फ्यूचर की भी प्लानिंग्स करना है, ग्रेजुएशन हो जाता तो फ्यूचर प्लानिंग भी तो करना पड़ता ना, इसीलिए थोड़ा हेक्टिक चल रहा। सो आज मैं बोला कि आज कुछ भी हो जान दे, आज ब्लॉग तो डालना ही है, मतलब आज शूट करना ही है करके, फिर कल आज एडिट करके कल अपलोड कर दूँगा। और यहाँ पे एक बीच के वैसा है, तो अभी इनका शूट होने के बाद बीच पे जाएंगे। एनीवेज ये बीच है, वो ऐसी रहना जिंदगी, मतलब बस ठहर के एंजॉय कर रहे हो ना, फ़ोन नहीं कुछ भी नहीं, मैं भी फिर भी शूट कर रहा हूँ ना, तो बस ठहर के एंजॉय कर रहे हैं ज़बरदस्त। सनग्लासेस लगा लेके, वाटर बॉटल ले लेके ठहर के हो ना ज़बरदस्त, पानी का व्यू देख लेते हैं। चिच्चा वहाँ पे सर्फिंग, सॉरी फिशिंग कर रहे, सर्फिंग बोल रहा था भाई, क्या हुआ चिच्चा? ऑब्वियसली उनको सुने नहीं आता, इसलिए पुकार रहा हूँ भाई। मतलब उनकी एज आराम से होंगी 55 तक, तो कितना ज़बरदस्त ठहर के फिशिंग कर रहे हो। और इधर देखो रेनबो, शाहनवाज उन लोग इधर बीच पे गए, मैं वापस जा रहा हूँ, गाड़ी में बिस्किट पैकेट है वो ले लेके खा लेते हुए तो भी बैठना। 8:30 हो रहे हम लोग, 8 o'clock को आए यहाँ पे, तो और आधा एक घंटा रुक के निकल जाते हैं, क्योंकि घर से ये 80 kilometers है, तो हम लोगों को आने अप्रॉक्सीमेटली, ओके मेरे को नहीं देख सक रहे होंगे पीछे सूरज है, 1 second हो गया। तो हम लोगों को घर से यहाँ पे आने अप्रॉक्सीमेटली 2 hours लगे, 1 hour 50 minutes, तो कहते कि उतना टाइम होता, तो हम लोग अगर 9:30 को भी निकले तो 11 o'clock तक तो घर को पहुँच ही जाते, स्लो भी गए तो। सो बिस्किट पैकेट, शूट फिर चालू हो गया, इन्होंने बंटाई को शूट कर रहा,
पूरा सामान वहाँ पे रख दिया, जैकेट बैग, अगर कोई आके तड़ी मार लिया तो जाते पूरे, बस व्यू एंजॉय करते हुए। देखो इनको, देखो यूट्यूब पे जा रहा है। Now I'm gonna do a flying kick inspired by none other than Mumbai ka Nikhil himself. But Nikhil ki utti achhi to nahi aati, but phir bhi. एक बार कह रहे तो गालियाँ खाते। मैं यहाँ से फ़ोन उठा सकता हूँ, मगर उठाया तो फिर वापस मैं सेटअप नहीं कर सकता इसको ऐसा। सो आई जस्ट लीव इट ओवर हियर। रिकॉर्ड करने दे, कितना रिकॉर्ड करता, मेरे शूज़ में रेती चलेगी। ओके मेरे को दो टाइप की फ्लाइंग किक आती, मतलब एक फ्लाइंग किक बोल सकते हैं और एक को फ्लाइंग किक नहीं बोल सकते। जो पहली वाली है मुंबई के निखल वाली, वो ये और जो दूसरी वाली है वो ये।
यहाँ पे पब्लिक आ रही, तो मैं मेरा फ़ोन ले लेता हूँ, अगर कोई भी तड़ी मार लेके चले गए समझो, अच्छे शॉटों के चक्कर में फ़ोन चले जाता हूँ मेरा। और हाँ, हम लोग आते जब मैं फ़ोन निकाल के एक सीन लिया, लेके फ़ोन वापस जिम में रख रहा था, बंटा है गाड़ी गड़े में से लिए, फ़ोन गिर गया मेरा, फ़ोन गिर के नीचे एक क्रैक आया और स्क्रैचेस पड़े, लाइक हाईवे पे गिरा। अच्छा पीछे बाइक वगैरह कार टका नहीं आ रहे थे क्योंकि ट्रक ट्रैफिक बहुत था, सो बच गया, बट क्रैक आ गया। थोड़ा होता अफसोस, बट सहन कर लेना पड़ता क्योंकि किसी को बोल भी नहीं सकते। काला पत्थर, मैं भी खाली सा फिर रहा था तो मेरे को ये दो, ये एक मिला कूल लाइन से इसके ऊपर, और फिर ये एक मिला, ये तो मैं घर को लेके जा रहा हूँ। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब क्या टाइम हो रहा? 9:30 हो रहे, सो वी आर गोइंग बैक। और हाँ, मैं वीडियो इसीलिए फ्लिप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं और बंटा हम लोग टी शर्ट्स नहीं पहने, सो वी आर हाफ नेकेड क्योंकि बहुत इनअप्रोप्रिएट रहता हो। ओके, सो वी आर डन विथ एवरीथिंग। एक सेकंड, ये पत्थर बोल तो लेके जा सकते हैं। तो मेरे को एक और पत्थर मिला, ओके फोकस 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 फोकस। वी आर गोइंग बैक नाउ। 9:30 हो रहे और धूप भी बढ़ जा रही, और हम लोग 2 घंटे तो लगते हैं जाने कम से कम। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू एंड माई वीडियो नाउ। और सो यस, मेरे बालों से तो मालूम हो जा रहा आए इतनी दूर, और नहीं करे तो एक रिग्रेट रहता लाइफ में, जो कि लाइफ में रिग्रेट कभी भी नहीं रहना। सो लास्ट बार ये व्यू देख लो, क्योंकि पता नहीं तुम लोग ये कब देखने वाले, मतलब और एक बार वीडियो खोले तो और एक बार दिखता, बट अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कब आते वो तो नहीं मालूम। सो ये डैम को 42 गेट्स है।